नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की पॉलिटिकल की, जियोग्राफी की, और राजस्थान की जियोग्राफी में हम बात कर रहे थे नस्लों के बारे में। उसमें हमने कुछ बकरियों की नस्ल कर ली है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और बात करते हैं, तो जखराना नस्ल के बारे में बात करते हैं। जखराना किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। आज से पूछ लिया जाए जखराना किसकी नस्ल है, तो भैंस की मत कर देना, इसमें ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। तो आप इनको याद रखना कि जखराना किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। बकरी की नस्ल है, इसे भैंस की नस्ल मत कर देना गलती से, क्योंकि बहुत बार बच्चों का ये गलत हुआ क्वेश्चन है कि इसके बारे में यही पूछा जाता है कि जखराना किसकी नस्ल है, तो जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, तो जखराना की बात करते हैं, ये कोटपुतली बहरोड की प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, यह नस्ल कोटपुतली बहरोड की प्रसिद्ध है। बहरोड की प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? तो जखराना नस्ल की बकरियां कोटपुतली बहरोड की तो क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। लिखो दोस्तों, यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूध देने वाली नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो जखराना बकरी की नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। अब आपको इसका पता तो चल ही गया होगा, कोटपुतली बहरोड में प्रसिद्ध क्षेत्र लिखाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शेखावाटी की नस्ल कौन सी? शेखावाटी की नस्ल। अब आपसे पूछ लिया जाए शेखावाटी किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। और शेखावाटी नस्ल किसकी है? तो बकरी की। एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल है। तो लिखो दोस्तों, इस नस्ल की बकरियों के सींग नहीं होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नस्ल की बकरियों के सींग नहीं होते हैं, तो कौन सी नस्ल की? शेखावाटी नस्ल की बकरियों के क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं। ठीक है, काजरी संस्था जोधपुर द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो दोस्तों देखो, इस नस्ल को काजरी संस्था के द्वारा विकसित किया गया था। कौन सी संस्था द्वारा? काजरी संस्था। ये काजरी संस्था कहां पड़ती है? एक तो काजरी और एक काफरी, दोनों ही कहां है? जोधपुर में क्या है? काजरी संस्था स्थित है। तो जोधपुर में के द्वारा शेखावाटी नस्लों को क्या किया गया था? और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू आ जाता है, चूरू आ जाता है, सीकर आ जाता है। सीकर एक जिला और नया बन गया है, कौन सा? नीम का थाना। और कुछ क्षेत्र कहाँ के? इसका नागौर का कुछ क्षेत्र भी इसे में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। कहाँ इसका क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो कोटपुतली बहरोड में इसका क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो जखराना बकरियों की नस्ल है। बात करते हैं शेखावाटी नस्ल की बकरियां। शेखावाटी बकरियों की नस्ल के क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं। ये बात को मोस्ट याद रख लेना कि किस नस्ल की बकरियों के सींग नहीं होते हैं? तो शेखावाटी नस्ल की। शेखावाटी नस्ल की बकरियां को किसके द्वारा? इस बिना सींग वाली बकरियों को किस संस्था ने विकसित किया था? आपसे पूछ लिया जाए तो काजरी जो संस्था है कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इनके द्वारा ही क्या किया गया था? इन्हें विकसित किया गया था। ये बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र है कौन कौन सा? तो झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीम का थाना क्षेत्र और नागौर का पूर्वी क्षेत्र
किस में आता है, शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बकरियों के बारे में और नस्ल के बारे में बात करते हैं, और नस्ल कौन सी है तो पर्वतश्री नस्ल के बारे में बात करते हैं। कौन सी नस्ल? पर्वतश्री। कौन सी नस्ल है? पर्वतश्री। पर्वतश्री नस्ल, पर्वतश्री नस्ल किसकी नस्ल है? आपसे पहला ही क्वेश्चन तो ये होगा कि पर्वतश्री किसकी नस्ल है, तो पर्वतश्री भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नहीं मत कर देना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और कई बच्चे क्या कराते हैं, इसे भेड़ की नस्ल कराते हैं, परंतु ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह हरियाणा की बिट्टल व सिरोही का मिश्रण के रूप में पाई जाती है। यह नस्ल सिरोही व हरियाणा की बिट्टल नस्ल, हरियाणा की बिट्टल नस्ल का मिश्रण है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पर्वतश्री नस्ल किन दो भेड़ों का मिश्रण है, बकरियों का मिश्रण से मिलकर बनी है, सिरोही और बिट्टल नस्ल की दो बकरियों के मिश्रण से इस पर्वतश्री नस्ल का क्या हुआ? उद्भेदन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका क्षेत्र। तो क्षेत्र जयपुर अजमेर टोंक और पर्वतसर है। क्षेत्र कौन सा है? जयपुर अजमेर टोंक और पर्वतसर इसका क्या है क्षेत्र है। बात करते हैं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपसे प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा पर्वतसर क्या है इसका प्रजनन केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रजनन केंद्र की बात करें तो पर्वतसर क्या है इसका प्रजनन केंद्र है। आगे बात करते हैं झरवाड़ी व लेट्टी नस्ल की नस्ल कौन सी। एक तो झरवाड़ी या इसे ही बोलते हैं लेट्टी नस्ल किसकी है, ये आपसे नस्ल याद रखना है। ये किसकी नस्ल है? तो बकरी की क्या है ये नस्ल है, बकरी की नस्ल है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसे सर्वाधिक मांस उत्पादित किया जाता है। तो ये लिख लो, यह मांस के लिए पाली जाती है, यह मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, मांस के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो झरवाड़ी और लेट्टी नस्ल भी पाली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं विदेशी नस्ल किसकी? बकरियों की विदेशी नस्ल। बकरियों की बात कर रहे हैं तो बकरियों की विदेशी नस्ल पढ़ेंगे ना हम, तो बकरियों की विदेशी नस्ल है अल्पाइन और टोगनरबर्ग। अल्पाइन एक तो कौन सी नस्ल हो गई, अल्पाइन किसकी नस्ल है? बकरी की विदेशी नस्ल है। और आगे बात करते हैं टोगनबर्ग कौन सी? टोगनबर्ग जैसे हमने भेड़ों की नस्ल पढ़ी थी ना, रूसी मेरिनो, रेड ड्यूमल भेड़ की नस्ल है, ये नस्ल किसकी है? तो अल्पाइन और टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? बकरी की विदेशी नस्ल है। बात करते हैं पर्वतश्री यह नस्ल किसकी है? सिरोही और हरियाणा की बिट्टल किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और एक सिरोही भी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इनके मिश्रण से इन दोनों बकरियों के मिश्रण से किस नस्ल का उत्पादन हुआ? तो पर्वतश्री बकरी का उत्पादन हुआ। यह सर्वाधिक जयपुर अजमेर टोंक और पर्वतसर में पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र आपसे बात करें तो पर्वतसर है। बात करते हैं झरवाड़ी और लेट्टी किसकी नस्ल है? तो बकरी की तो नस्ल है। सर्वाधिक मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? अल्पाइन और टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? विदेशी नस्लें हैं बकरी की। ठीक है दोस्तों, ये था बकरियों के बारे में। हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, अभी ऊंटों के बारे में हम पढ़ेंगे।
दोस्तों आगे बात करते हैं हम राजस्थान में ऊंट की नस्ल के बारे में, ऊंटों के बारे में, नस्लों के बारे में बात करने से पहले हम ऊंट का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऊंट यह राजस्थान का राज्य पशु है, यह राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है दोस्तों। इसे राजस्थान के राज्य पशु बनाने से पहले इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी अधिसूचना बात करते हैं, इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को तो यह जारी की गई थी। अधिसूचना 19, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट में, 19 सितंबर 2014 को। तो 19 सितंबर 2014 को क्या की गई थी, अधिसूचना जारी की गई थी और इसे दर्जा कब मिला, तो दिसंबर 2014 को अधिनियम बना। आपसे पूछ लिया जाए अधिनियम कब बना, अधिनियम बना दिसंबर 2014 को क्या बना, ऊंट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे राज्य पशु का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता, अभी ऊंटों की मतलब कुर्बानी के लिए बना है, इसकी बलि नहीं दे सकते ऊंट की, ठीक है, और ऊंट को काटा नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की, कैमिलेना डेमोडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक नाम, यह आपसे कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैमिलेना कौन सा, कैमिलेना डेमोडेरियस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है दोस्तों। बाद में बात करते हैं 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में 98.43% क्या पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। तो यहीं पे लिखो दोस्तों, भारत में 98.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में ऊंट कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 98.43% ऊंट पाए जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान का ऊंट की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, इसी दृष्टि से ऊंट में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है दोस्तों। ये आगे लिखो, इसे रेगिस्तान का जहांज भी कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ बीकानेर में और स्थापना कब हुई थी, 1984 को बीकानेर में। देखो दोस्तों स्थापना 1984 में कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। लिखो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा इसकी स्थापना लिख लो। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा
केंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी ऊंट की स्थापना, ऊंट के अनुसंधान केंद्र की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह परिषद भी यहीं पे नाम बनता है, केंद्रीय अनुसंधान परिषद के द्वारा 1984 में जोहड़ बीड़ बीकानेर में ऊंट परिषद, ऊंट अनुसंधान केंद्र की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केम्बल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? कौन सा क्वेश्चन, केम्बल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? केम्बल मिल्क डेयरी मतलब ऊंटनी का दूध या ऊंट का, ऊंटनी का दूध कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केम्बल मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई, बीकानेर में। बीकानेर में ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ स्थापित की गई, बीकानेर में। बीकानेर में ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थापित की गई ऊंटनी के दूध के मिल्क डेयरी कहाँ स्थापित की गई, बीकानेर में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऊंट प्रजनन कार्य भारतीय कृषि परिषद द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऊंट प्रजनन का कार्य, ऊंट प्रजनन, प्रजनन का कार्य, कार्य किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा संचालित। लिखो दोस्तों, भारतीय कृषि, कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित, अनुसंधान द्वारा संचालित, द्वारा संचालित, संचालित। तो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित कौन सा है, ऊंट प्रजनन केंद्र चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम। इससे पहले एक बार आप, हम इसकी फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु, राजस्थान का राज्य पशु आपसे पूछ लिया जाए, एक तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है, और दूसरा कौन सा है, चिंकारा, चिंकारा। ये अभी आया है वर्तमान में, जूनियर अकाउंटेंट में यही क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा ये ऑप्शन में था। ठीक है, 31 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को इसकी घोषणा की गई थी। यह तो कौन सा है, पालतू पशु है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा पालतू पशु को राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का दर्जा कौन से पशु को दिया गया है, ऊंट को दिया गया है पालतू के रूप में, और जंगली के रूप में चिंकारा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी अधिसूचना की बात करें, इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, और ये लागू कब किया गया, अधिनियम को कब बनाया गया, तो दिसंबर 2014 को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम केमिलिना डेमोडेरियस, केमिलिना डेमोडेरियस किसका वैज्ञानिक नाम है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। ये बात करते हैं भारत में कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो 98.43% है, भारत में 98.43% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंट का, ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसे रेगिस्तान का क्या बोला जाता है, जहाज के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वो क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है ये, पशु परिचय में आने के 100% चांस है, 100% चांस है इसे क्वेश्चन आने का। और इसमें कई कई बार क्या होता है, ज्यादा गहराई में जाता है तो ये पूछता है इसकी, इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, केंद्र ने लिख कर यहीं पे ऐसे लिख लो परिषद, क्या परिषद, केंद्रीय अनुसंधान परिषद के द्वारा, केंद्रीय अनुसंधान परिषद के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ बीकानेर, जोहड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं केम्बल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है, केम्बल मिल्क डेयरी आपसे पूछ ली जाए तो केम्बल मिल्क डेयरी भी कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। बात करते हैं ऊंट प्रजनन का कार्य, ऊंट प्रजनन का कार्य कहाँ, किस विभाग द्वारा करवाया जाता है, तो ऊंट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा ऊंट प्रजनन मतलब ऊंट का प्रजनन का कार्य करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो बचा हुआ टॉपिक है वो आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो आप शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली भर्तियों की नोटिफिकेशन की सूचना वो जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।